कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड दीप्ति योर फ्रेंड। आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी हेयर शाइन करेंगे। गाइस विंटर सीजन आ रहा है और बहुत सारी ड्राइनेस हमारे चेहरे पे आने वाली है, तो ऐसा हो उससे पहले क्यों ना हम कोई ऐसी रेमेडी जान लें जो कि बहुत ही ज्यादा क्विक एंड इजी है और जो हमारे ड्राइनेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देगी और हमारे चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो, नेचुरल शाइन और नेचुरल ऑयल लेके आएगी, जिसके कारण हमारा चेहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा इस विंटर्स। तो गाइज बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा कौन सा फेस पैक है जो सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स है, जो आपकी किचन में 100% अवेलेबल होगा, उसे यूज करके इस फेस पैक को कैसे, उन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से हम अपनी चेहरे की ड्राइनेस को कैसे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और नेचुरली अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप मिस ना कर पाए और ऐसे ही नेचुरल रेमेडीज का मजा ले पाए। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें लेना है एक एम्प्टी बोल, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शहद यानी हनी। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच एलोवेरा जेल, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक थिक पेस्ट बना लें। तैयार है आपका फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन। गाइस ये कुछ इस टाइप की थिक कंसिस्टेंसी में होगा, इसे आपको अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अच्छे से फेस वॉश कर लें और उसके बाद इस फेस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करें। गाइस क्योंकि हमें इसे अच्छे से अपने फेस में पेनिट्रेट कराना है, इसलिए आप इसे अपने हाथों से ही अपने फेस पे लगाएं, एक क्रीम की तरह इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें और अच्छे से मसाज करें। अपने चीक्स पे, अपने नोज पे, अपनी चिन पे, फॉरहेड पे अच्छे से मसाज करें एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। गाइज ये कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है आपकी ड्राई स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, उसमें मॉइस्चर ऐड करने के लिए, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 24 घंटे में इसे एक बार करना चाहिए। आप इसे डेली कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम 24 घंटे में एक बार कर सकते हैं अपनी ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए। और एक हफ्ते बाद ये आपकी ड्राई स्किन को इतनी अच्छे से मेंटेन कर देगा कि आपकी स्किन ड्राई होना ही बंद हो जाएगी। ड्राइनेस होने के कारण आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो हनी आपके फेस में ग्लो ऐड करेगा। आलमंड ऑयल आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, जिससे आपकी स्किन ड्राई होना बंद हो जाएगी और आपके फेस में एक नेचुरल नमी, नरिशमेंट, मॉइस्चर ऐड करेगा। एलोवेरा जेल डीपली आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा और आपके फेस के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, आपके फेस पे एक अच्छा हेल्दी ग्लो लेकर के आएगा और आपकी ड्राइनेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। आई होप गाइज ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो गाइज फटाफट से जाइए इस रेमेडी को यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे, तो आप उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी, उस पर क्लिक करके सीधे आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाइएगा और बस एक पिक्चर क्लिक करके मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली इस टॉपिक पे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।